हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपकी ई इनवाइसिंग है, अगर आपकी बिल जो है वो ई इनवाइसिंग होती है, यानी आपकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में जब आपने GSTR 1 को फाइल करते हैं तो उस टाइम HSN बाई जो समरी होता है वो ऑटो अपलोड कैसे कराएंगे। क्योंकि अगर आप ई इनवाइसिंग करते हैं तो आपका जो GSTR 1 में इनवाइस जो होता है वो ऑटो अपलोड होके आता है आपकी ई इनवाइसी के पोर्टल से, बट जो HSN समरी जो होता है वो आपको ऑटो अपलोड होके नहीं आता है। तो उस HSN समरी को हम ई इनवाइस की पोर्टल से GSTR 1 में टेबल नंबर 12 में उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये चीज़ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने GST पोर्टल पे लॉगिन हो जाना, जो भी आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा उसको डाल के इस तरह से लॉगिन हो जाना है। देन उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, पीरियड सेलेक्ट करेंगे और सिंपली सर्च पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको GSTR 1 का टेबल देखेगा, GSTR 2A 2B और GSTR 3B का भी आपको यहाँ पर टेबल देखेगा। अभी अपने को GSTR 1 से मतलब है, इसलिए हम यहाँ पर GSTR 1 पर क्लिक करेंगे। आप GSTR 1 पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपने ई इनवाइसिंग करी होगी, जो भी इस पीरियड में आपने इनवाइस काटा होगा, उसकी ई इनवाइस जनरेट किया होगा, वो ऑटो अपलोड होके आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो जिस पार्टी का मैंने यहाँ पे खोला है, इनका 5 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा है और इनकी जो इनवाइस है कि इनवाइसिंग ई इनवाइसिंग होती है जो कि ऑटो पॉपुलेट होकर डाटा यहाँ पे 99 इनवाइस यहाँ पे शो रहा है, बट यहाँ पे टेबल नंबर 12 में आप देखेंगे HSN वाइज समरी में किसी तरह का कोई भी डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई इनवाइसिंग के पोर्टल से आपके इनवाइस तो ऑटो पॉपुलेट होके आ गया, लेकिन HSN जो समरी है वो ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आया है। तो इसको अभी हमें इम्पोर्ट करना है ई इनवाइसिंग के पोर्टल से। उसको कैसे करेंगे, तो टेबल नंबर आपको 12 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस वाले टेबल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक यहाँ नीचे देखेंगे इम्पोर्ट HSN डाटा फ्रॉम ई इनवाइस और दूसरा ऊपर देखेंगे डाटा HSN एक्सेल। अगर आप ऑनलाइन अपने GSTR 1 को फाइल करते हैं तो उस केस में अपने HSN वाइज समरी जो होता है एक्सेल अपने ई इनवाइसिंग के पोर्टल से आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट HSN डाटा फ्रॉम ई इनवाइसिंग जो है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है ना। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज आएगा कि किसी तरह के कोई भी HSN वाइज समरी जो टेबल नंबर 12 है इसमें किसी तरह कोई डिटेल आपने डाला तो नहीं है। अगर डाला है तो उसको सबसे पहले आप क्लियर कर लें, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट करें, है ना। तो आपको ये वार्निंग आएगा, अगर आपने किसी तरह कोई HSN वाइज समरी मैनुअल डाला हुआ तो उसको आप पहले क्लियर कर लेंगे, उसके बाद इंपोर्ट HSN डाटा फ्रॉम इनवाइसिंग पर क्लिक करेंगे और ये मैसेज आएगा, उसके बाद आपको ओवरराइड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो HSN वाइज जो समरी है वो आपको ई इनवाइसिंग की पोर्टल से इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन अपने GSTR 1 को फाइल करते हैं तो उस केस में आपको एक्सेल पे HSN वाइज समरी की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको डाउनलोड HSN एक्सेल पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपका HSN वाइज समरी होगा, जो इस पीरियड में जिस पीरियड का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इस पीरियड में जितने भी आपने सेल किया होगा, जो भी आइटम सेल किया होगा, उस आइटम का HSN वाइज जो समरी होता है वो एक्सेल फॉर्म में आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो आप उससे आप अपने GSTR 1 को ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, अपने HSN वाइज समरी को ई इनवाइसिंग की पोर्टल से आपको इंपोर्ट करना या आपको डाउनलोड करना है HSN वाइज समरी को, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये फैसिलिटी काफ़ी दिनों से अवेलेबल है आपके GST पोर्टल पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब भी आप अपने डाटा को ई इनवाइसिंग की पोर्टल से इम्पोर्ट करें, उसके बाद आप अपने बुक से जो भी डाटा इंपोर्ट करते हैं उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि जो भी डाटा इंपोर्ट करेंगे वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए आपको फाइनल डाटा रिपोर्ट करने से पहले ये चीज़ आप कंफर्म कर लें कि जो भी आपने डाटा इंपोर्ट किया है ई इनवाइसिंग की पोर्टल से वो आपके बुक से मैच होना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई भी एरर है ना, अगर किसी तरह कोई भी एरर है तो उसको आप मैन्युअली ठीक कर सकते हैं, और मैन्युअली ठीक करने के बाद ही उसको आप सबमिट करें। तो ये चीज़ है आपके HSN वाइज समरी को इंपोर्ट करना। ये चीज़ जो है केवल उन टैक्स पेयर की है जो
जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि अपने इनवाइस की ई इनवाइसिंग करते हैं, उनके ये लिए ये जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। अपने डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं ई इनवाइसिंग की पोर्टल से, ठीक है ना, मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि अपने आप को मोटिवेट होते रहूँ और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेता रहूँ। धन्यवाद।